फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए? आपका जवाब होगा कि उज्जवल होना चाहिए। सारे कामकाज बच्चों को आने चाहिए, ना केवल घर के, ना केवल स्कूल के, बल्कि बाहरी दुनिया की भी जानकारी बच्चों को अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि वो हर फील्ड में अपने आप को अच्छा बता सके और सारे कामों को बिना किसी परेशानी के पूरी तरीके से पूरा भी कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन बच्चों का वजन जरूरत से ज्यादा कम और जरूरत से ज्यादा होता है, उन बच्चों के लिए सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जी हाँ, कई बार जिन बच्चों का वजन बचपन में ही काफी ज्यादा हो जाता है और बचपन में ही बच्चे महज 10 या 11 साल की उम्र में ही वजन को बढ़ा लेते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर काफी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी या फिर बहुत ज्यादा मोटापा, हार्ट अटैक का खतरा, लंग्स का फेल हो जाना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। हालांकि बचपन में आप अपने बच्चे की देखभाल करने के चक्कर में उन्हें वो सारी चीजें खाने की परमिशन दे देती हैं जो कि उनके लिए अनहेल्दी हो सकती हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, बाहर मिलने वाला स्ट्रीट फूड, जंक फूड। इन सारी चीजों के अंदर तेल मसाले की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और न्यूट्रिशन की मात्रा जीरो के बराबर। इसीलिए अपने बच्चों के खाने पीने पर कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन केवल उतना ही, ताकि आपके बच्चे अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकें और अपने वजन को संतुलित कर सकें। शुरुआती दौर में आपको बच्चों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि उनकी शुरुआती दौर में उन्हें एसिडिटी हो जाए, कब्ज हो जाए या फिर सीने में जलन की समस्या हो, लेकिन क्या आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों में अगर ये समस्या पाई जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बच्चों की उम्र बड़ी होगी तो उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ना केवल बड़े बल्कि बच्चों को भी अपने वजन को संतुलित रखने की जरूरत है। आपको बच्चों को डाइटिंग पर भेजने की जरूरत नहीं है। खाने पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, बाहर का स्ट्रीट फूड और जंक फूड बच्चों के लिए बंद करवा दीजिए, और अगर वो उसे खाने की जिद भी करते हैं तो उसे घर पर ही बनाइए, क्योंकि अगर आप घर पर खाना बनाएंगी तो वो बच्चों के लिए हेल्दी रहेगा, और ऐसा करने से बच्चों के अंदर मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, और अगर मोटापा नहीं बढ़ेगा तो बीमारियों का खतरा शून्य हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।